दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आप लोग देख रहे हो इंद्रावती का पुल है और इस पुल के ऊपर से कुछ नज़ारा इस प्रकार सा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, आप लोग देख रहे हो माय ब्लॉग चैनल SVN07। तो दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं बीजाकासा वाटरफॉल के लिए। दोस्तों ये नारायण पाल गाँव है, बहुत ही खूबसूरत सा गाँव आप लोग देख सकते हो। रोड के दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर हरे भरे खेत खलिहान सभी मौजूद हैं। दोस्तों लोंडीगुड़ा से रतन जब खासा वाटरफॉल की दूरी लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। तो गाइस हम लोग अभी जाके आप लोगों को दिखाएंगे और हम भी देखेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों यहाँ से होकर रतन खासा वाटरफॉल जा सकते हैं, यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बीजाकासा वाटरफॉल। तो दोस्तों आइए चलते हैं माई ब्लॉग चैनल SVN07 के साथ बीजाकासा वाटरफॉल के लिए। दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं रतन गाँव, आप लोग देख सकते हो बहुत खूबसूरत सा स्कूल बना हुआ है दोस्तों और बड़ा सा बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है। दोस्तों इस रास्ते से हम लोग को बीजाकासा वाटरफॉल के लिए जाना होगा। सो गाइस वीडियो में बने रहिए, मज़ा आ जाएगा, वहाँ जाके भी पता चलेगा किस तरह का वाटरफॉल है। दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं, सामने से एक और पिकअप गाड़ी आ रही है भाई, पूरा टोल उड़ाते हुए आप लोग देख सकते हो। पीछे से स्कूल का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों ये देखिए पूरा मुरुम बिछा हुआ है, रोड अभी तक का बढ़िया है, आगे देखते हैं आगे कैसा है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर भुट्टा का खेत तैयार किया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा भुट्टा, और यहाँ पर धान का फसल बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है भाई, देखने लायक बनता है यार। आप लोग देख सकते हो यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं, बहुत ही नज़र आ रहा है भाई। ये देखिए भुट्टा का खेत दोनों और इन भुट्टे के खेत में के बीचों बीच जाना, और यहाँ का मौसम ही बहुत कुछ अलग बयां करता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये इधर एक साइड में पूरा चट्टान चट्टान ही चट्टान नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो बीचा दिया गया हो। ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोग को इसी रास्ते से होकर आगे की ओर जाना होगा। यहाँ भाई लोग झंडे रख दिए हैं येलो कलर का, शायद बीजाकासा वाटरफॉल के लिए जाने का चिन्ह है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर चेक पोस्ट लगाया गया है, क्योंकि यहीं पर टिकट काउंटर है, यहीं पर टिकट कटवा के हम लोग को बीजाकासा वाटरफॉल के लिए अंदर एंट्री करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर पर्सन के लिए 10 के हिसाब से लिया जाता है टिकट। सो गाइस यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, चार पहिया वाहन है, देखिए बाइक का लंबा सा कतार। दोस्तों यहाँ पर दुकानें भी लगी हुई है जो ज़रूरतमंद चीज़ें मिल सके। ये देखिए यहाँ से हम लोग को मोटरसाइकिल पार्किंग कर हम लोग को यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। ये देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, यहाँ पर भी दुकानें लगी हुई है, ये देखिए भाई बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों यहाँ पर जूते चप्पल उतार के चलना होगा, क्योंकि पानी खेत के नीचे बीच से हमको आगे की ओर चलना।
आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारा। अरे देखिए बहुत सारे लोग देखने आए हैं भैया, ये देख सकते हो बहुत सारे लोग देख के वापस आ रहे हैं। ये देखिए हम लोग तो भी एंट्री कर रहे हैं भैया का सर। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये पिकनिक मनाने का बेस्ट जगह हो सकता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी मौजूद हैं और देख सकते हो यहाँ का नज़ारा देखने लायक बनता है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखिए इस सीढ़ी के सहारे नीचे की ओर उतरा जा सकता है। ये आप देख सकते हो सभी लोग अपने अपने स्टाइल में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। भाई देखने में मज़ा आ रहा है। दोस्तों हम लोग भी थोड़ा सा पानी के नज़दीक जाके देखते हैं कितना मज़ा आता है। सो गाइस यहाँ पर एक और सीढ़ी लगा हुआ है नीचे उतरने के लिए। ये देखिए इस सीढ़ी के सहारे नीचे उतरेंगे। सो गाइस आइए घूमिए माय व्लॉग चैनल के साथ। कौन बांट लेना? अरे उसको झटके लगे ले कहाँ हो जाते दूर ले जाता है। हाँ अच्छा तो कर रहे हो आप जी सिखाए आप फूट को जाकर बताइए। अच्छा तो कर रहे हो जूता तो संगा। हाँ नियम लेना हिट लो। आप लोग जाइए और यहाँ का मज़ा लीजिए। देखिए लोग हम यहाँ इतना से कितना आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल है भैया का बस्तर का। ये आप देख सकते हो भैया क्या खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ का मजा लीजिए। नहीं तो फिर बहुत दिन के बाद दिख रहे हो। हाँ वही दिख रही ना कहाँ पर ऐसा लड़के मन बोले हम लोग अभी विजय का जलप्रपात के नीचे जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो बहुत बड़े बड़े पत्थर है भैया, हम लोग भी चलना पड़ेगा। बहुत ही मजा आने वाला है यार वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हो वाटरफॉल का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखता है। ये देखिए
बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद है। यहाँ पर बड़ी चट्टान मौजूद होने के कारण नीचे गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है और देखने लायक है। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी से नीचे की ओर गिरता है, यह पानी इंद्रावती नदी में जाकर मिलता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यह खूबसूरत सा जगह, आप भी आइए और यहाँ का आनंद उठाइए। दोस्तों वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।